और पहली खबर में बात होगी आज इंटरनेट और वेबसाइट्स की। सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील वेबसाइट्स बंद करने के लिए केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आज कहा कि इसके लिए कानून, तकनीकी और प्रशासन को एकजुट करना होगा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पर काम चल रहा है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते इसे रोकने में मुश्किलें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की याचिका पर भी आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। बढ़ते साइबर आतंकवाद, अश्लील वेबसाइट और बेलगाम सोशल मीडिया के चलते इंटरनेट पर नियंत्रण की जरूरतें अरसे से महसूस की जा रही हैं। और यही हमारी आज की पहली खबर। जानकारी के साथ इंटरनेट मनोरंजन का भी सस्ता और बेहतरीन साधन है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका जाल और लोगों तक आसानी से पहुंच होने की वजह से इंटरनेट की निगरानी और नियंत्रण भी बड़ी चुनौती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार से अश्लील साइटों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाने को कहा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि फिलहाल करीब 4 करोड़ अश्लील साइट हैं, लेकिन आए दिन इस तरह की वेबसाइटों को खुलने से लगाम लगाना बेहद मुश्किल काम है। जानकार भी मानते हैं कि पोर्न साइटें पूरी तरह से बंद नहीं की जा सकती हैं। पोर्नोग्राफी को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं तो वो मुझे लगता है फैक्चुअली इनएक्यूरेट रहेगा। आवश्यकता ये होनी चाहिए कि हम थोड़ा इसे प्रोएक्टिव अपना नज़रिया देखें और कहें कि हम पूरी पोर्नोग्राफी के साथ तो नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर हम उसमें जो बहुत खतरनाक जाई पोर्नोग्राफी है उस पर फोकस करें तब हम कामयाब हो पाएंगे। केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी है कि अश्लील वेबसाइटों के सर्वर विदेशों में हैं, जिससे उन्हें ब्लॉक करना बहुत मुश्किल होता है। सरकार वेबसाइटों पर बेहतर नियंत्रण के लिए उसके सर्वर भारत में लाने की ओर काम कर रही है। साथ ही एक सलाहकार समिति से इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद की जाएगी। पोर्नोग्राफी मटेरियल लाइक फोटोग्राफ्स शुड बी इमीडिएटली ब्लॉक्ड आफ्टर द एडवाइजरी कमिटी हैज मेड इट्स प्रपोजल्स। द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड द कोर्ट दैट विद इन 4 वीक्स इट विल ब्रिंग टू द सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ एफिडेविट what steps the advisory committee has proposed and what steps the government has taken। दुनिया भर में अश्लील साइटों के अलावा साइबर आतंकवाद और सोशल मीडिया पर भी लगाम की जरूरत है। हाल में ISIS के अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोले की हत्या से जुड़े वीडियो ने तो पूरी दुनिया को झकझोर दिया। वहीं सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों और अमर्यादित टिप्पणियों पर भी जोर है। साइबर जानकार मानते हैं कि इसके लिए सख्त कानून बनाने और मौजूदा कानून सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। मसलन भारत ने 26/11 के मुंबई आक्रमण के बाद साइबर टेररिज्म को एक घिनौना अपराध घोषित किया है। इस प्रोविजन को आपने सन 2009 में लागू भी कर दिया, लेकिन 2009 से 2014 तक किसी भी एक केस में उसको आपने इन्वोक नहीं किया, कोई केस दर्ज नहीं किए। तो पेपर टाइगर कानून बनाने का फायदा नहीं है, आवश्यकता है आप कानून को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एडल्ट पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाने की अपील की गई थी। इस मामले में जनवरी में देश में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सरकार और कोर्ट के आदेश के बिना साइटों पर प्रतिबंध लगाना तकनीकी और व्यवहारिक रूप से मुमकिन नहीं है, जिसके बाद केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। रविंद्र सिंह शराण, राज्यसभा टीवी। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जरूर दिया है और 4 हफ्ते के बाद सरकार को जवाब दाखिल करना है। सलाहकार कमेटी बनाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे रोक पाना मुमकिन है, किस तरह की दुश्वारियां हैं, क्या परेशानियां हैं और जो हमारे कानून है मौजूदा कितने मजबूत या कितने कमजोर हैं, समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में रवि वी शारदा प्रसाद जी, जो कि इंडिपेंडेंट टेलीकॉम कंसल्टेंट हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश के रे साहब, जो कि एडिटर हैं बरगद.org से। प्रकाश जी स्वागत है। हमारे साथ कनिका सेठ, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। कनिका, आपको भी स्वागत है। शुरुआत कनिका मैं आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके की चिंता है ये मैं कहूं कि हर पेरेंट्स की चिंता है, हर दूसरे हिंदुस्तानी की चिंता है, पोर्नोग्राफी की बात हो या फिर अफवाहों को फैलाने का मसला हो इंटरनेट के जरिए, या फिर मैं कहूं कि कुछ इस तरह के वीडियोस जो कि हिंसक होते हैं, जो नहीं होने चाहिए, दिखने चाहिए, उन सबको क्या हमारे मौजूदा कानून में कुछ ऐसा है जिसके इससे रोका जा सके, या फिर कहा जाए कि कानून है ही नहीं हमारे पास? कानून तो है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, उसमें काफ़ी प्रोविजंस ऐसे हैं। अब जैसे साइबर टेररिज्म को लेके सेक्शन 66F में ये डील किया गया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी डील किया है,
लेकिन जो सख्ती से इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो प्रोविजंस अभी लैकिंग हैं। हमें लगता है कि आईटी एक्ट में और भी नए प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए जिससे कि इन कानूनों की इन्फोर्समेंट अच्छे से हो पाए। मॉनिटरिंग फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस में आप देखेंगे कि कोई गाइडलाइन नहीं है कि प्री फिल्टरिंग गाइडलाइन, जैसे हम कह सकते हैं कि ISPs जो हैं उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन कह सकते हैं उसे, कि वो उसको फिल्टर करें कंटेंट जबकि ऑनलाइन आ जाता है उसके बाद एक्चुअल नोटिस पे टेक डाउन हो रहा है, लेकिन क्या उसे पहले लगाने से पहले प्री फिल्टर करा जा रहा है। जो ड्यू डिलिजेंस गाइडलाइन कहती है कि हमें ड्यू डिलिजेंस अडॉप्ट करनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या क्या पैरामीटर्स को फुलफिल करना होगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जब हम कहते हैं हर कंट्री का जो कह सकते हैं आप इस टाइम पे कानून बहुत सख्त है, इंडिया में उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हम। ISPs जो हैं उनके पास कोई मैंडेट ही नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है उनके लिए आज की डेट में कि वो फिल्टर करके उसे रिपोर्ट करें प्रोएक्टिवली। मतलब अभी तो ये है कि एक्चुअल नोटिस पे कंप्लेंट हुआ मिला और फिर आप उस पर एक्शन ले रहे हैं। प्री फिल्टरिंग की बात कहीं नहीं है। प्लस ये भी डिस्कस नहीं किया गया है कि भाई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है ISPs की टू रिपोर्ट सच कंटेंट ऑन अ प्रोएक्टिव बेसिस। तो एक ये इम्पोर्टेंट चीज भी है। पनिशमेंट्स हैं पर इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए काफी चीजों में, जैसे 66A अभी भी इसे भी डिस्कस किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आगे है ये मामला भी, तो उसमें भी 3 साल का पनिशमेंट, क्या ये इनफ डिटरेंस है या नहीं इस कंट्री में ये लॉ को रियली इन्फोर्स करने के लिए, और डिटरेंट होना चाहिए तो और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स चाहिए जी। ये जरूरत है। जो बात से सहमत नहीं हूं मैं, इसलिए US में भी सर इसमें लेके डिबेट्स हुई हैं, इंडियन कोर्ट्स ने भी इसे देखा है इशू को। जब एडल्ट हैं, एडल्ट को क्या, जैसे न्यूज़पेपर है अब सब लोग पढ़ते हैं उसे, तो और भी एक जरिया हो गया, इंटरनेट इज ऑल्सो अ मीडियम, तो आप कितना लिबरलाइज कर सकते हैं या कितना रोक टोक लगा सकते हैं। एक एडल्ट को अगर कुछ एडल्ट कंटेंट देखना है तो उस पर रोक नहीं होना चाहिए, ये US लॉ भी मानता है और काफ़ी कंट्रीज इसे अडॉप्ट करती हैं, और इंडिया में भी काफ़ी जजमेंट्स हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि हाँ जहाँ तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके है दैट इज़ कम्प्लीटली बैंड प्रोहिबिटेड, बट येस अगर एडल्ट कंटेंट कोई एडल्ट देख रहे हैं अबव 18 ईयर्स ऑफ एज दैट शुड बी अलाउड, बट ट्रांसमिशन पब्लिशिंग इज इलीगल। एक टेक्निक है स्टेगनोग्राफी, उसमें अगर आपकी एक डेटा फाइल है या कोई वर्ड फाइल है वो ऐसे लगेगा आपको म्यूजिक फाइल है, उसको कैमोफ्लैज किया जाता है। इसी तरीके से पिक्चर्स बच्चों की जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड हैं, MMSs हैं, वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, मॉर्फ की जा रही हैं, तो इंडिया में वो भी देखना होगा कि भाई सिम्युलेटेड और नॉन सिम्युलेटेड। अब आप देखिए पॉक्सो एक्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये 2012 में इंडिया में आया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है। हम जब न्यूज़ रिपोर्ट्स देखते हैं तो स्पेशल कोर्ट्स ही नहीं बनाए गए कई स्टेट्स में, और स्टेट्स की क्या मशीनरी इस टाइम चल रही है या सेंट्रल इनिशिएटिव्स क्या हैं टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन ऑनलाइन। मैं इंटरनेट की बात कर रही हूँ, वैसे वेलफेयर स्कीम्स हैं रनिंग अबाउट चिल्ड्रन राइट्स, बट कितना प्रोटेक्शन चिल्ड्रन जो ऑनलाइन डेंजर्स फेस कर रहे हैं उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स। मेरे को कोई नहीं लगता NGO कर रहे हैं जहां पर कोई सजा हुई कार्रवाई हो ना, मुझे लगता है कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कुछ ज्यादा गहराई से सोच रही है या कोई इनिशिएटिव कर रही है। इतना तक कि मैंने जब रिसर्च किया कि NCRB की साइट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की साइट पे भी मुझे इसकी स्टैटिस्टिक्स नहीं मिली, नहीं मिले। तो आप ये देखिए कि कितना काम करना है, नॉट ओनली लीगल टेक्निकल बट मैं कहूंगी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे बहुत कुछ लैकिंग है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नहीं बनाए गए पॉक्सो एक्ट के अंदर। इस पे मैं एक कमेंट देना चाहूंगी कि जो कन्वेंशंस है, इंडिया जब हम दूसरी कंट्रीज से बात करते हैं बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रीटीज के बारे में या कन्वेंशंस के बारे में, इस मुद्दे को शामिल क्यों नहीं करते। राइट्स ऑफ चाइल्ड उस पे एक कन्वेंशन है जो इंडिया साइन कर चुकी है already, we also have a convention to combat organized crime, terrorist groups जैसे हैं, तो cyber crime को लेके specifically कोई convention sign नहीं किया गया है, हालांकि EU convention भी है और भी conventions हैं, लेकिन rights of child और organized terrorist attacks उनको लेकर के ये conventions exist करते हैं, लेकिन कितना cooperation मिल रहा है Interpol को या वैसे आपस में वो कहना इस time मुश्किल है, क्योंकि MLAT की जहां तक बात करी जाए बहुत slow process है, ये सभी जानते हैं इस विषय में। और कैफे हैं हमारी डेट, आज की डेट में रूल्स भी बना दिए गए साइबर कैफे के,
कितनी मॉनिटरिंग हो रही है, इंस्पेक्टर्स जाते हैं कि नहीं जाते, मंथली बेसिस पे उनका ये पेमेंट आता है, ये होना चाहिए कि जाके उसे देखे जाए। क्या साइबर कैफेज को यही नहीं पता कि उनके मैंडेटरी लाइसेंसेस हो गए हैं, उनको ये नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कहाँ है? कई बार आई एम ऑल्सो टीचिंग द पुलिस, सो आई नो दैट व्हेन आई गो एंड टॉक टू देम, दे ऑल्सो कम बैक एंड से कि अच्छा ये रूल्स तो हैं बट इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, अपनी स्टेट्स में कितना चल रहा है वो देखना वाला है, ओवरऑल इंडिया का क्या स्टैटिस्टिक्स है। इस टाइम पे आप देखेंगे कि रजिस्टर्स, हम कई बार क्राइम केसेस करते हैं उस उनमें हम जब आईपी एड्रेस ट्रेस करते हैं वो मोस्टली टेररिस्ट अटैक्स वगैरह का या साइबर पोर्नोग्राफी का आईपी एड्रेस लोकेट होता है। क्यों? साइबर कैफे क्यों? क्योंकि वहां लॉग्स मेंटेन नहीं हो रहे। आप रजिस्टर्स खोल के देखिए, कुछ मेंटेनेंस नहीं हो रहा। दैट इज अ मेजर लैक्यूना इन द एनफोर्समेंट। सो वो कितना हम रूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, कितना हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। नॉट ओनली दैट सर, सर्ट है हमारे पास कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वो उनके पास एक पावर है, इट इज गॉट द पावर टू चेक द एंड ब्लॉक द कंटेंट ऑल्सो। तो वो कितना प्रोएक्टिवली मॉनिटरिंग कर रही है क्योंकि उनके पास ये मैंडेट है, उनको करना ही है पब्लिक पॉलिसी के लिए या आप कह सकते हैं पब्लिक ऑर्डर के लिए। दे हैव द पावर नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटेग्रिटी बट ऑल्सो पब्लिक यू नो ऑर्डर। सो क्या ये चीज़ पब्लिक ऑर्डर में नहीं आएगी? ये चीज़ें देखने के लिए हमें आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट का भी मेजर रोल रहेगा, कैसे इसे प्रोएक्टिवली इन्फोर्स कर सकते हैं। एक पॉइंट और है सर, इसमें हम लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक ही सीमित हैं इस टाइम पे, हमारी डिस्कशन ज़्यादातर उस पर चल रही है, बट और कितने डेंजर्स हैं चिल्ड्रन को ऑनलाइन जिसके ये कोई लॉ ही नहीं बनाया गया है। आज की डेट में नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सेक्सटिंग, साइबर बुलिंग जो स्कूल्स में भी आजकल शुरू कर दिया है बताना बच्चों को, और बहुत सारी तरीके की चीज़ें हैं जैसे साइबर ग्रूमिंग, प्रिडेटिंग, सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल न्यू which probably our IT Act, as I see today, and I can find out, there are a lot of lacunas. Parents का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि parents और educators जो हैं, इस टाइम पे lot of them don't even know कि भाई आपके पास software tools available हैं, hardware based tools available हैं, जिससे कि आप जितने भी घर के gadgets हैं, आजकल बच्चे mobile उठाते हैं, internet है, उसी broadband से आप laptop है, tablet है, सभी पे एक synchronized way में एक filters लगाए दिया जा सकते हैं, जो at least children को protect करें। जब तक एनफोर्समेंट है, ठीक है, एनफोर्समेंट अपना काम कर रही है, बट पेरेंट्स और एजुकेटर्स का सिक्योरिटी के लिहाज से जो है आप कदम उठा सकते हैं, ये मौजूद है हमारे पास सिस्टम, वो कहना एज एन एडिशनल मेजर अच्छा रहेगा मेरे को। लेकिन सवाल ये है कनिका, मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे, अब तक किसी मामले में कोई सजा हुई हो जो एक आइडियल दिखता हो, या मैं कहूँ किसी राज्य में किसी साइबर सेल, क्राइम सेल जो है होती है उसने कोई ऐसा कदम उठाया कि जिसे लगे कि हाँ भाई ये कुछ काम हो रहा है? मुझे तो लगता है नहीं कि किसी भी राज्य में कोई ऐसी कार्रवाई हुई भी होगी। देखिए, एक दो कन्विक्शन जरूर हुई है साइबर लॉ में, बट अब एज आई टी एक्ट में, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें कन्विक्शन होनी अब जरूरी है, क्योंकि लोग रिपोर्ट भी नहीं करते, कई बार तो लोग रिपोर्ट नहीं करते, स्पेशली अगर पेरेंट्स को ही पता चल जाए कि उनका बच्चा किसी ऐसी इमेज उनकी अपलोड हो गई है, जाने अनजाने में ऐसा कोई काम हो गया है, तो पेरेंट्स ही कई बार रिपोर्ट नहीं करते, और अगर रिपोर्ट हो जाए तो वो मीडिया का के डर से आगे नहीं बढ़ाते। कई बार तो ये भी होता है लोगों को पता नहीं होता इसको कहाँ पे इसकी हम शिकायत करें, शिकायत होने बात कार्रवाई भी नहीं होती है, क्योंकि एफआईआर ओपन में आ जाती है, बच्चे का नाम आ सकता है, पेरेंट्स का नाम आ सकता है, वो सब डर के मारे कह सकते हैं कि वो नहीं इस चीज को आगे बढ़ाना।